अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्राउज़र की स्टिचिंग बता रही हूँ जिसको बनाना नहायत ही आसान है और देखने में बहुत ही बाकमाल और ख़ूबसूरत लगता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बुकरम कपड़े पर प्रेस की है। ये तो मैंने ज़्यादा बुकरम ली है क्योंकि मुझे आस्तीन, ट्राउज़र और नेक पर भी पट्टियाँ लगानी थी। ट्राउज़र की पट्टी के लिए 5 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी बुकरम कपड़े पर प्रेस होगी, उस पर मार्किंग कर दी है। अब इस कपड़े पर एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है। एंकर थ्रेड तो नहीं था मेरे पास, तो आम सिलाई के धागे को पहले 4 जगह पर भरा और फिर चारों धागों को एक साथ करके भर लिया इस तरह, और फिर पूरे कपड़े पर सिलाइयाँ लगा ली। पाँच इंच चौड़ी पट्टी को जब दरमियान से कट करके और सिलाइयाँ जब आयरन की मदद से दोनों तरफ मोड़ ली तो ये 1.5 इंच की तैयार हुई हैं। और दूसरी 2 इंच की पट्टी को डबल कर लिया और फिर उसमें प्लेटें डालकर उसे भी तैयार किया। 20 इंच के पैंचे के लिए तैयार करने के लिए इस पट्टी की लंबाई तकरीबन 55 इंच होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रिल वाली पट्टी को पैंचे के उल्टी तरफ स्टिच किया। और फिर लाइनों वाली पट्टी को रखकर स्टिच किया। और अब इसको पलट कर ट्राउज़र के सीधी तरफ लाकर स्टिच कर लिया। और ये देखें, 3 टांकों से ये कैसा खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुआ। डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।